मैं कुछ चैनल गाइस और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद रहमतुल्ला और आप देख रहे हैं जिस चैनल गाइस। यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम स्टोर कीपर की जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो किस तरह का क्वेश्चन क्लाइंट हमसे करता है स्टोर कीपर के पोजीशन के लिए और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन जो है वो मेंटेन करता है। तो सबसे पहले बता देता हूँ गाइस आपको कि स्टोर कीपर की जो पोजीशन है उसकी क्वालिफिकेशन कम से कम 12th स्टैंडर्ड होनी चाहिए या आप जैसे बता सकते हैं इंटरमीडिएट होना चाहिए। वो इसलिए गाइस इसमें जो स्टोर कीपर है जो कंपनी की जो अपनी डिमांड्स होती है वो चाहती है जो ये बंदा स्टोर को मैनेज करे, ठीक है, वो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, उसका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। इसलिए गाइस स्टोर जो होता है वो सिर्फ एक स्टोर नहीं होता बल्कि कंपनी के लिए एक समझिए कि एक तरह का कबोर्ड है जिसके अंदर कंपनी का पैसा है, ठीक है। वो जो भी मटेरियल है जो भी मशीनरीज है वो उसको संभालना है, पैसे को संभालना है कंपनी का, तो कंपनी उस नज़र से देखती है, ठीक है। बात बाकी रहा स्टोर कीपर का तो क्वेश्चन आंसर हम आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला सवाल जो क्लाइंट करता है वो करता है व्हाट इज स्टोर, तो आपको यहाँ जवाब देना है स्टोर इज सिमिलर टू शॉपकीपर, ठीक है। अब अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में आंसर करिए, हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में आंसर करिए, उर्दू में कंफर्टेबल उर्दू में आंसर करिए, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसी लैंग्वेज में आप बात करें, ना कि अपने आप को जाहिर करने के लिए अपने अपना प्रेजेंटेशन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल नहीं उस लैंग्वेज का आप यूज़ करते हैं तो इससे आपका इंप्रेशन ख़राब होता है। तो पहला सवाल का जवाब ये है कि स्टोर जैसे मिरर टू शॉपकीपर, ठीक है, स्टोर जो है एक शॉपकीपर की तरह होता है, स्टोर कीपर जिस जो एक शॉपकीपर जो है अपने दुकान की देखरेख करता है, सामान की देखरेख करता है, उसी तरह की स्टोर कीपर भी अपने स्टोर की देखरेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आप किस तरह के स्टोर में काम करते हैं, तो आप जिस भी स्टोर में काम करते थे गाइस तो पहले इस चीज़ का ध्यान रख ले कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं वो कंपनी किस चीज़ से बिलोंग करती है, कंस्ट्रक्शन से और उसके बाद इंडस्ट्रियल है या कैटरिंग वगैरह, तो जिससे फील्ड से भी वो बिलोंग करती है कंपनी जिसमें आप इंटरव्यू देने के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको भी उसी तरह का आंसर आपके पास रखना है। आपको बताना है अगर कंपनी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है तो आपको भी अपना जो एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही आपको एक्सप्लेन करना होगा, आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो मटेरियल्स का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, गुड्स का जो भी इन्फॉर्मेशन है सिविल से रिलेटेड वो आपको वहाँ एक्सप्लेन करना है। अगर मान लिया कि कंपनी इंडस्ट्रियल है तो आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और प्लम्बिंग इन तीनों से रिलेटेड जो गुड्स इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा, आपको एक्सपीरियंस बताना होगा, अपना नॉलेज शेयर करना होगा, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होगा। तीसरी जो है कैटरिंग से रिलेटेड है, तो अगर आप कैटरिंग से रिलेटेड कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं स्टोर कीपर का तो आपको अपना एक्सपीरियंस कैटरिंग से रिलेटेड बताना होगा और उससे जो रिलेटेड जो भी आइटम्स गुड्स हैं उसमें ज़रूर से इन्फॉर्मेशन देना। अब यहाँ पर ही जो कैटरिंग से रिलेटेड उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो वेजिटेबल्स जो गोडाउंस होती है जो वेजिटेबल्स का कोल्ड रूम होता है तो यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी होता है, ये एडिशनल पार्ट स्टोर कीपर का, ठीक है। यहाँ आपको बताना होगा कि अगर वो वेजिटेबल स्टोर है तो यहाँ पर ये जो उसका जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस जो है मेंटेन करना होता है ताकि वेजिटेबल्स ख़राब नहीं हो। अब इसमें एक और डिपार्टमेंट आता है वेजिटेबल्स में फ्रोजन डिपार्टमेंट का, ठीक है, तो फ्रोजन डिपार्टमेंट में जो टेम्परेचर जो मेंटेन करता हूँ -18 to 20 degrees मेंटेन करना होता है ताकि जो भी हमारा फ्रोजन आइटम है चिकन है बीफ है मटन है उसके बाद है फिश है आइसक्रीम है ये सब मेल्ट ना हो ये सब ख़राब नहीं, उसका अपना एक टाइमिंग होता है एक स्टैंडर्ड होता है, तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको आंसर करना होता है। तीसरा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या पूछते हैं वो पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ LPO, LPO का आंसर है गाइस लोकल परचेज ऑर्डर जिसके बिहाफ में सामान स्टोर में आता है। दूसरा व्हाट इज़ डिलीवरी नोट, डिलीवरी नोट होता है गाइस जब भी हम कोई सामान को रिसीव करते हैं सप्लायर से तो सप्लायर डिलीवरी नोट लेकर के आता है जिसमें वो क्या मटेरियल आपको दे रहा है और आप उसे क्या मटेरियल रिसीव कर रहे हैं वो सारा उसमें मेंशन रहता है, तो एक कॉपी सप्लायर को जाता है एक कॉपी स्टोर कीपर रखता है। तीसरा सवाल गाइस कि इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस बता दे रहा हूँ, सप्लायर जब भी मटेरियल डिलीवरी करने के लिए आता है स्टोर में तो वो इनवॉइस लेकर के आता है जिसमें पेमेंट ऑफ टर्म्स लिखा होता है कितना वैल्यू का सामान स्टोर में जा रहा है वो होता है, ये ज़रूरी नहीं कि हर सप्लायर डिलीवरी नोट के साथ इनवॉइस भी दे आपको, ठीक है। तो ये गाइस यहाँ पर ही कुछ पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे स्टोर कीपर के बारे में बता दे रहा हूँ। और तीसरी चीज़ है आपसे HR बहुत बार सवाल करता है कि आप एज ए स्टोर कीपर हैं आपके कोई कलीग है आपको इलीगल सामान ला के स्टोर में रखने के लिए बोल रहा है यार रख लो ना कल हम तुमसे ले लेंगे, तो आपको यहाँ जवाब देना गाइस कभी भी नहीं, कभी भी इलीगल टर्म्स को आपको एंटरटेन नहीं करना है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी को एज ए स्टोर कीपर एंटरटेन नहीं करना है चाहे वो कोई भी आपका मैनेजर ही क्यों ना आपको दे। अगर HR जो है जो भी आपसे इंटरव्यू ले रहा है चाहे वो HR हो या फिर आपका HR मैनेजर हो या स्टोर मैनेजर भी कभी कभी इंटरव्यू लेने के लिए आता है, तो गाइस यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर वो आपको अगर टेक्निकली चेक कर रहा है कि ये बंदा किस तरह से इसका माइंड क्या है इसका एटीट्यूड क्या है तो अपने एटीट्यूड को ज़रूर से आप कम डाउन रखें, ठीक है, कूल माइंड रहें
और बी हॉनेस्ट रहे वहाँ पर ही इंटरव्यू के दौरान। और आपको ये भी बता देता हूँ गाइस कि आपसे जो है वो जो क्वेश्चन करेंगे वो बहुत घुमाकर क्वेश्चन करेंगे, वो आपसे कहेंगे कि मैं तुम्हारा एचआर मैनेजर हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है मैं बियर पीता हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बियर को साथ में लेके आता हूँ तो अपने रूम में नहीं लेके जा सकता हूँ, फैमिली है तो तुम क्या इसको स्टोर में रख लोगे, तो यहाँ आपको बिल्कुल जवाब देना है नहीं। कंपनी की अपनी स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है और स्टोर का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, आपको बिल्कुल कह देना बी होने से सर हम इस चीज़ को नहीं कर सकते क्योंकि ये लीगल चीज़ है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल माना जाऊँगा। तीसरी बात गाइस, हमेशा क्वेश्चन किया जाएगा कि स्टोर में जो भी सामान है उसका जिम्मेदार कौन होगा, तो एज अ स्टोर कीपर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हाँ बोलना है गाइस। तो यहाँ पर बता देता हूँ गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो क्लाइंट्स बिल्कुल पूछता है स्टोर कीपर में इंटरव्यू से रिलेटेड। तो होप गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी स्टोर के बारे नहीं जानती है स्टोर के लिए अप्लाई करें स्टोर कीपर के लिए, इस चीज़ को प्लीज़ फॉलो कर लें और इस चीज़ को अच्छे से याद कर लें। कुछ भी मन में सवाल है कमेंट बॉक्स में आए और प्लीज़ कमेंट्स करें ताकि मैं आपको आंसर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।